हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि आप अपने एटीएम में आकर और अपना बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमारा जो एटीएम मशीन है, और यहाँ पे जो है मैं आप सभी को बैलेंस चेक करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि हमारा एटीएम कार्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो है हमारी एटीएम मशीन है। तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है कि अपने एटीएम कार्ड को जो है ना कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि आपकी चिप लगी होगी, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको अपने एटीएम को जो है एटीएम मशीन में डालना पड़ता है। तो चलिए जो मैं इसको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंसर्ट कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा, सही तरीके से जो है आपको इसमें भरना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है बोल रहा है कि थोड़ी सा इंतज़ार करना है, तो हम जो इंतज़ार कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आपको जो है चले जाना है बैंक वाले ऑप्शन पे। तो चलिए जो हम यहाँ पे बैंक वाला ऑप्शन है, इसके सामने की बटन जो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपसे लैंग्वेज पूछेगा, तो अगर आप हिंदी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। और किसी किसी में जो है टच वाली सुविधा रहती है, और किसी किसी में जो है यहाँ पे बटन वाली सुविधा रहती है। तो इसमें जो है बटन वाली सुविधा है, तो हम जो है यहाँ पे बटन दबा देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो यहाँ पे पूछेगा आपसे दो अंकों का जो है यहाँ पे नंबर, ठीक, तो यहाँ पे जो है चलिए मैं यहाँ पे डायल कर देता हूँ 45। ठीक है, यहाँ पे जो हमने टाइप कर दिया, और टाइप करने के बाद जो यहाँ पे यस का ऑप्शन आ रहा होगा, तो उसके सामने की बटन जो है हमको कर देनी है क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है आपसे पूछेगा आपका पिन, तो आपका जो पिन है उसको जो है यहाँ पे टाइप करना है। तो हम जो है चलिए अपना पिन जो है यहाँ पे दबा देते हैं। जैसे ही पिन दबाएंगे तो यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, और यहाँ पे अगर आपको पैसे निकालने हैं तो यहाँ पे कैश विड्रॉल का ऑप्शन, फास्ट कैश का ऑप्शन आ जाता है। अब हमको जो है अपना बैलेंस चेक करना है, तो बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन है, उसको जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो है इसके सामने की जो बटन है उसको जो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, फिर उसके बाद जो पूछ रहा है कि कौन से बैंक से, तो हमारा जो सेविंग बैंक है, अधिकतर लोगों का जो है सेविंग बैंक ही होता है। ठीक, तो हम जो यहाँ पे सेविंग बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो बोल रहा है कि थोड़ी सा इंतज़ार करना है, तो चलिए जो हम थोड़ी सा इंतज़ार कर लेते हैं। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैलेंस है वो 566 रुपये जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस जो है दूसरे नंबर पे जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 566 रुपये जो है हमारे अकाउंट में है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आप अपना जो है एटीएम में आकर और अपना जो है बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये वीडियो केवल इतनी ही थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।